हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सिको आईपीआर चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेकर आया हूँ। 7 मिनट के अंदर 7 ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क के केसेस बताने वाला हूँ, जिनको अगर आपने समझ लिया ना, नोट डाउन कर लिया, तो आपको आईपीआर के अंदर एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी वीडियो को एंड तक देख के जाना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला केस उसकी बात करते हैं, कोका कोला वर्सेज बिस्लेरी। अब ये क्या केस था? बिस्लेरी बहुत बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर, माजा का जो ट्रेडमार्क है ना, जिसको मजे से पीते हो, वो इनके पास था। इन्होंने माजा का ट्रेडमार्क लाइसेंस कर दिया कोका कोला को, कहा कि आप इंडिया में आप इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, सारे राइट्स हमने आपको दे दिए। अब बिस्लेरी वाले निकले चंट, वो पहुंच गए टर्की, बोले हम तो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे टर्की के अंदर अपना, सेम किसी कंपनी को पकड़ेंगे, लाइसेंस पे दे देंगे ट्रेडमार्क। कोका कोला वाले आगे, अरे भैया ऐसे कैसे, आपने हमें एक्सक्लूसिव राइट्स दिए, लाइसेंसिंग दिए, सब कुछ दिया है, अब आप टर्की में जाकर रजिस्टर करा रहे हैं। यही दिक्कत होती है सबसे बड़ी। देखो, ब्रांड्स क्या करती है, जब एग्रीमेंट करती है ना, वो सारी चीज़ें लिखवाना भूल जाती है। अगर आप एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी है, स्टूडेंट है, सीख रहे हैं ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी भी असाइनमेंट करो, लाइसेंसिंग करो, एक एक चीज़ लिखवाओ कि जो मैं आपको राइट्स दे रहा हूँ ना, वो इंडिया तक दे रहा हूँ, वर्ल्ड तक नहीं दे रहा हूँ। और अल्टीमेटली बिस्लेरी केस लूज कर गया, कोका कोला केस जीत गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सारी चीज़ें एग्रीमेंट में क्लियर होनी चाहिए कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का राइट दिया है, लाइसेंसिंग का राइट, जिसकी रिडक्शन क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताओ। आज का टाइम में ऑनलाइन मार्केट भी बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन भी बताओ कि ऑनलाइन इतना बड़ा मार्केट आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। अब बात करते हैं दूसरे फेमस केस की, यह है वॉटमैन इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस पी मेहता एंड अदर्स। अब यहां पे क्या हुआ, यह भी बहुत फेमस केस था। एक इंडियन ब्रांड पेपर्स बेच रही थी, है ना, इंडिया के अंदर बैठे बैठे फिल्टर पेपर बेच रही थी, अमेरिकन कंपनी के पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क सब कुछ कॉपी कर डाला। अब हुआ क्या, जो अमेरिकन कंपनी थी वो तो थी 250 साल पुरानी, ये काफ़ी लंबे समय से इंडिया में लगातार यूज़ कर रहे थे, वो भी कंटिन्यूसली वॉच कर रहे थे, देख रहे थे इनको, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए। अल्टीमेटली अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में आके केस फाइल कर दिया कि आपने हमारे ट्रेड ड्रेस को कॉपी करा है, थोड़े बहुत मिलते जुलते नाम को कॉपी करा है। एंड देखिए, इंडियन कंपनी को उस गलती के चक्कर में 3.85 लाख का पेमेंट करना पड़ा। देखिए, हमें क्या लगता है, कोई विदेश में ब्रांड बैठी हुई है, हम तो बड़े हो गए उनको कॉपी करके, वो हमें नहीं देख रहे, वो आपको डेफिनेटली देख रहे हैं, कंटिन्यूसली वॉच रख रहे हैं। इसलिए कभी भी अगर आपको बड़ी ब्रांड बनना है ना, तो इंटरनेशनली किसी को कॉपी मत करो, खुद की IPRs डेवलप करो, खुद इनोवेशन लेकर आओ और उसको रजिस्टर्ड करवाओ। इन्होंने रजिस्टर तो करा लिया, बट दिक्कत क्या है, पूरा कॉपी कर डाला इन्होंने, उनके मॉडल को भी, ट्रेडर्स को भी, सब कुछ। तो कॉपी कभी नहीं करना, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप किसी इंटरनेशनल ब्रांड को कॉपी करते हो ना, और ये सोच लो तो मैं तो इंडिया में बैठा हूँ, वो US में बैठा, क्या उखाड़ लेगा, केस फाइल कर देगा वो इंडिया में आके आपके खिलाफ, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपको कितनी बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, स्टारबक्स कॉफी वर्सेस स्टारबक्स। अब ये क्या था, ये बहुत फेमस केस था। स्टारबक्स पूरी दुनिया में चलता है, इंडिया में भी चल रहा है, कॉफ़ी की चेन है, बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। अब प्रॉब्लम क्या भाई, एक पाजी आए, उन्होंने क्या स्टारबक्स करके चेन चालू कर दी कि हम भी बेचेंगे कॉफ़ी। अब हुआ क्या, वो रातों रात फेमस हो गए, क्योंकि देखिए उनका लोगो और स्टारबक्स का लोगो बिल्कुल मिलता जुलता था। मैंने डिटेल के अंदर केस स्टडी बनाई है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हो। अल्टीमेटली क्या हुआ, स्टारबक्स के इंडिया में ट्रेडमार्क सब रजिस्टर्ड थे, स्टारबक्स को अपना लोगो भी चेंज करना पड़ा, अपना नाम भी चेंज करना पड़ा, प्लस बहुत सारा लिटिगेशन का एक्सपेंस भी आ गया। इसलिए कहते हैं इंटरनेशनली किसी को कॉपी मत करो, इनोवेट करो, नया डिज़ाइन लेकर आओ। इन्होंने क्या करा, लोगो भी कॉपी कर डाला मिलता जुलता, और नाम को भी कॉपी कर डाला। अल्टीमेटली इनको अपना लोगो भी चेंज करना पड़ा, नाम भी चेंज करना पड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, ये है फ़ोनपे वर्सेज भारत पे। अब इसके अंदर क्या हुआ, देखिए कई लोग क्या करते हैं, जेनरिक नेम को उठाते हैं। जेनरिक नेम ठीक है, अगर आप एक्स मार्केटिंग कर सकते हो, उसको शुरुआत से डेवलप कर सकते हो, IPR प्रोटेक्शन के लिए एक्सपेंस कर सकते हो, तो ठीक है। नहीं कर सकते ना, तो जेनरिक मार्क कभी नहीं उठाना चाहिए। जैसे एप्पल, एप्पल एक जेनरिक मार्क है। आज एप्पल कंपनी किसी फ्रूट सेलर को नहीं रोक सकती कि भैया आप ये एप्पल फ्रूट है ना, एप्पल के नाम से मत भेजो, उसका नाम चेंज करो। सिर्फ एप्पल कंपनी के पास राइट से इलेक्ट्रॉनिक्स तक। फोन पे क्या, भारत के बीच में यही हुआ। फोन पे इंडिया में काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रही थी, फंडेड कंपनी थी, वॉलमार्ट से आया था पूरा पैसा। अब भारत पे नया नया मार्केट के अंदर आया, इन्होंने भारत पे चालू कर दिया वो फोन पे, उनको दिक्कत होगी, बोला ये फिनटेक में, हम भी फिनटेक में, हमारा मार्केट खा जाएंगे। पे लग रहा है कि भारत पे फोन पे की सब्सिडियरी कंपनी है, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया कि भारत पे फोन पे पे वर्ड एंड में यूज़ ना करें। अल्टीमेटली डिसीजन भारत पे के फेवर में आया। कोर्ट ने पता है क्या कहा, कोर्ट ने कहा PAY आपने खाली है ना, उसकी स्पेलिंग गलत कर दी, रॉन्ग कर दिए, ऐसा किसी वर्ड का रजिस्ट्रेशन आपको एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा। आपने सुना इसको डिस्कवर करा है, मार्केटिंग करी है, ब्रांडिंग करा है, आपने तो खाली स्पेलिंग को चेंज कर दिया, मिस स्पेल कर दिया, यहाँ पे PAY को PE कर दिया,
सिर्फ मिसपेल है और कुछ भी नहीं है। इसलिए फोन पे के पास पे वर्ड का कोई राइट्स नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड नहीं था, सिर्फ पासिंग ऑफ के ब्याह पे ये उठकर आए थे एंड अल्टीमेटली डिसीजन भारत पे के फेवर में आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जेनरिक मार्क को रजिस्टर्ड कराओ, लेना है जेनरिक मार्क तो लो, बट उसको रजिस्टर्ड कराओ, शुरुआत से डेवलप करो, नहीं तो नया नाम लेकर आओ ना, कुछ यूनिक डेवलप करो, कोडक, नाइकी, पूमा, मैगी, ऐसा कुछ नेम लेके आओ, यूनिक नेम लेकर आओ, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन में फायदा हो, एक्सक्लूसिविटी बने एंड आप उसके साथ मार्केट में अच्छे से ऑपरेट कर पाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, याहू इंक वर्सेस आकाश अरोड़ा एंड ANR। अब ये केस क्या था, देखिए ये शायद सबसे पहला केस था इंडिया का साइबर स्क्वैटिंग के ऊपर। हुआ क्या, एक पर्सन था आकाश अरोड़ा, भाई ने क्या करा, इंडिया में याहू इंडिया करके एक वेबसाइट चालू कर दी, उसके नाम से वेबसाइट दौड़ा रहा है, सर्विसेज दे रहा है, याहू को हो गई दिक्कत, अरे हम वर्ल्ड में फेमस, आप इंडिया में हमारे नाम से सर्विस दे रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। अल्टीमेटली याहू ने केस फाइल कर दिया और आकाश अरोड़ा का वो कंपनी बंद करनी पड़ी। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, वर्ल्ड में कोई फेमस कंपनी है आप उसका नाम उठा के इंडिया में चालू नहीं कर सकते, ये सोच के मैं तो इंडिया में बैठा हूँ इसको रजिस्टर्ड करा लूँगा, वो तो फॉरेन फेमस है, क्या उखाड़ लेगी, नहीं। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ने भी, इंडिया हम जो इंडिया की ट्रीटी होती है ना, हमने भी उसको साइन करा है और हम भी उससे गवर्न होते हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज से गवर्न होती है, इसलिए वो इंडिया में आके आपके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी लर्निंग है, कभी भी बड़ी ब्रांड जितने भी फॉरेंस की है ना, उनको कॉपी मत करो, ना तो उनके डोमेन्स को, ना उनके नेम्स को, ना उनकी ट्रेड ड्रेस को, ना उनके कॉपी राइट्स, ना उनके पेटेंट्स, कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस दिन वो इंडिया में आ गए और आपके ऊपर केस फाइल कर दिया, आपको बहुत बड़ी हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं जारा फूड्स वर्सेज जारा फैशन। अब इस केस के अंदर क्या होता है, जारा बहुत फेमस है, हर लड़का लड़की चाहता है जारा के कपड़े पहनो, वो फैशन, लेकिन जारा फैशन ने देखा कि यार किसी ने ना जारा फूड के नाम से एक कंपनी चालू कर दी। अब दिक्कत क्या हमको लगा, कस्टमर सोचेगा ये जो कंपनी है जारा फूड, ये ओरिजिनल जारा की ही ब्रांड है। अब जारा को दिक्कत हो गई, हमारा जो ब्रांड का ट्रस्ट है, गुडविल है, सबको चाहिए बंदा खा जाएगा ले जाएगा, इसलिए उन्होंने केस फाइल करा और अल्टीमेटली जारा फैशन के फेवर में केस आया। भले वो फूड इंडस्ट्री के अंदर था बट उसने जारा वर्ड यूज़ करा। अब यहाँ पे देखिए फ़ायदा क्या होता है, जारा ने ना कोई एग्जिस्टिंग वर्ड को नहीं उठाया था जेनरिक वर्ड को, उसने एक नया वर्ड बनाया था जारा ने खुद ने, उसका आपको फ़ायदा मिलता है। देखो या तो आपका सरनेम हो जो बहुत टाइम से चल रहा हूँ, या कोई नया नेम डेवलप करो, ऐसे नाम को जाके रजिस्टर्ड कराओ तो फ़ायदा है। अब लास्ट केस की तरफ, ये भी साइबर स्क्वैटिंग का केस है, बहुत बढ़िया केस है, एकेडमी अवार्ड्स वर्सेस गोडैडी। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, देखिए एकेडमी अवार्ड्स वर्सेस गोडैडी वाले केस में क्या हुआ, गोडैडी इंडिया के अंदर बहुत सारे डोमेन्स प्रोवाइड करता है, आप ऑनलाइन डोमेन जाके परचेस कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड इनसे डोमेन ले सकते हो, काफ़ी कंट्रीज में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, आप अगर गोडैडी पर जाओगे ना, कोई भी तरह का, जैसे लेट्स सपोज फेसबुक है, अब मुझे फेसबुक का डोमेन लेना है, कुछ नहीं करना, FACECCC लगाया, BOOK.com लगा दिया, मैं बाय कर सकता हूँ फेसबुक जैसा मिलता जुलता डोमेन भी। अनअकैडमी अवार्ड्स ने करा कि गोडैडी ऐसे डोमेन सेल कर रहा है, ऑस्कर 2011, ऑस्कर 2015, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, हमारे भी कई डोमेन जिसने ऐसे सेल कर दिए और इनके ऊपर $1 million का केस फाइल करा। अब वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या जनरेट हुई, देखिए और फैक्ट्स क्या थे मैं आपको समझाता हूँ। अकेडमी अवार्ड्स ने कहा कि गोडैडी को ऐसे डोमेन्स बेचने पर रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए जो बड़ी एग्जिस्टिंग ब्रांड से मिलता जुलता है, जैसे ओलंपिक्स की मिलता जुलता डोमेन बेच दिया, फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, गूगल हो गया। अब हुआ क्या, गोडैडी वालों ने कोर्ट में क्लेम करा कि देखिए हमारा काम है ब्रोकरेज का, हम सिर्फ डोमेन को ब्रोकर कस्टमर तक लेके जाते हैं और उनको दिलवाते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते, हमें नहीं पता कि कस्टमर उसके बाद क्या करता है, कैसे करता है, और प्लस अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर है, हमें कंप्लेन सबमिट करता है कि मैं इस ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड होल्डर हूँ, सामने वाला पर्सन मेरे डोमेन को मिसयूज़ कर रहा है, गलत यूज़ कर रहा है, एंड प्लस मिसस्पेल करके या कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसने मेरे डोमेन को लिया है, तो वहाँ पे हम अगर कोर्ट का डिसीजन होता है या तो सामने वाले पर्सन को उसकी इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर देते हैं जो डोमेन इस समय लेके बैठा हुआ है, अगर हमसे नहीं लिया है तो हम नहीं देते हैं, और हमसे लिया तो इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर देते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर को, और अल्टीमेटली अगर कोर्ट का डिसीजन आता है तो हम ट्रेडमार्क को कैंसिल भी कर देते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें गोडैडी की कोई गलती नहीं है, गोडैडी का प्रोसेस ऑटोमेटेड है, वो अपना काम कर रहा है, ये यूज़र की मिस्टेक है, यूज़र का फ्रॉड है, यूज़र ने फ्रॉड करा है, जो कस्टमर उस डोमेन को खरीद रहा है ना पार्क कर रहा है, फ्रॉड की इंटेंशन है, ये उसकी गलती। इंडिया में बताता हूँ क्या हुआ था, अमूल आप सब जानते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिया, एक पर्सन ने अगर वेबसाइट चालू कर दी amooldistributor.com, अब वहाँ पे लोग आए, उनसे बोला मैं अमूल की डिस्ट्रीब्यूशन आपको दूंगा, अकाउंट में 20,000 रुपये 50,000 रुपये जमा कराओ, लोगों ने जमा कराना चालू कर दिए, उसी वेबसाइट से लोगों को ईमेल डालना चालू कर दिए जॉब्स के, बोला 1,000 रुपये ट्रेनिंग फीस जमा करानी है। अब ये भी साइबर स्क्वैटिंग है,
उन्होंने लोगों से पैसे ले लिए डिस्ट्रीब्यूशन चिप के नाम पे ऑनलाइन या फिर फेक ईमेल भेज भेज के, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है। एंड इसमें गोडैडी की गलती नहीं, पर्सन की गलती है। पर्सन ने फ्रॉड करने के लिए, लोगों को मिसरिप्रेजेंट करने के लिए वो डोमेन खरीदा था, इसलिए कोर्ट ने कहा गोडैडी की कोई गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो फ्रॉड करना चाह रहे हैं, डोमेन्स का यूज़ कर रहे हैं, एंड प्लस पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे 7 इंपॉर्टेंट केसेस। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही होगी, तभी आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। अब यहाँ तक आया हो ना, वीडियो को छोड़ के मत जाओ, लाइक ठोको वीडियो पे, शेयर करो एंड कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ, और कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको मैं आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप जाओ कमेंट करो, मुझे अपने व्यूज बताओ, मैं भी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया।